केबल लगा के एक बार दोबारा हम चेक कर रहे हैं कि हमारा टच पैड चलता है या नहीं चलता। तो ये हमने अभी लगा के। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है लेनोवो का। मॉडल क्या है इसका? इसका मॉडल है लेनोवो आइडिया पैड 330। मॉडल मोस्टली यहाँ लिखे रहते लेनोवो के, इसमें भी लिखा रहता है किसी किसी में बॉटम पे भी, पर इसमें इस मॉडल में नहीं लिखा रहता है। इस मॉडल का तो होता है हमारे टच पैड पे होता है। तो ये लेनोवो आइडिया पैड 330 है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसकी प्रॉब्लम बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम आपको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसको हम ऑन करते हैं तो इसका ये ट्रैक पैड काम नहीं कर रहा है। किस किस रीजन से काम नहीं करता है ट्रैक पैड, यदि हम आपको बताना चाहें तो ये क्या कारण होते हैं इसके, तो आप देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम आपको बता रहे हैं इसका ये ट्रैक पैड काम नहीं कर रहा है। आप स्क्रीन पे देखोगे तो हमारा माउस कर्सर नहीं घूम रहा है, आपको कहीं नजर नहीं आएगा, जबकि कीबोर्ड काम कर रहा है इसका। कीबोर्ड से हम यूज करते हैं तो यूज हो रहा है, टच पैड हमारा काम नहीं करता है। पहला स्टेप क्या होता है, आप देखोगे फंक्शन के साथ यदि हम F6 प्रेस करेंगे तो जब यहाँ पे टच का निशान बना हुआ है इससे भी हमारा टच पैड बंद हो जाता है, हम देख रहे हैं, पर ये नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कुछ अंदर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, किस कारण से आती है, इसमें कई चीजें होती हैं, जैसा कि हमारी केबल खराब हो जाए, केबल की वजह से हो जाती है, ट्रैक पैड में कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं वो शॉर्ट हो जाए उसकी वजह से भी हो जाती है, और दूसरा धूल मिट्टी की वजह से भी हो जाती है, सर्विस में भी चलने वाली होती है। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करें, इससे बचा नहीं जा सकता सर, ये यदि ये प्रॉब्लम आएगी तो आएगी, इससे हम कोई प्रिकॉशन नहीं ले सकते। तो उसके आगे हम आपको बताते हैं कि ये मशीन कैसी होती है, लेनोवो आइडिया पैड 330 कैसी मशीन होती है। लेनोवो आइडिया पैड 330 बहुत ही अच्छी मशीन होती है, इसके मदरबोर्ड में बहुत कम प्रॉब्लम आती है। इसकी जो थोड़ी बहुत आती है प्रॉब्लम बॉडी की, इसका बेस टूट जाए या टच पैड टूट जाए, इस टाइप की कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अन्यथा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मशीन ओवरऑल हम यदि मिला के बात करें तो अच्छी है। कॉन्फ़िगरेशन में किस में आती है, ये हार्ड डिस्क के साथ आती है ये मशीन, इसमें SSD का ऑप्शन नहीं होता, बस एक गलती थोड़ी सी ये की हुई है। यदि SSD के साथ होती तो ये मशीन और भी अच्छी होती है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी i3 में भी आती है, i5 में भी आती है, i5 तक ही आती है, i7 में नहीं आई है ये मशीन। 8GB रैम है, 1TB हार्ड डिस्क होती है। हम चाहे तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं SSD में, और जो वो होगी वो भी SATA पे ही होगी, ना कि आपकी M.2 या NVMe में होगी। तो इसके आगे हम बात करते हैं इसकी कि हम इसका टच पैड कैसे ठीक करेंगे, कि इसमें क्या क्या हो सकता है। पहला स्टेप तो हमने आपको बताई दिया कि इसमें एक बटन होता है कीबोर्ड में टच पैड को ऑन ऑफ करने का, हम उससे भी चला सकते हैं। यदि उससे नहीं होता है तो फिर हार्डवेयर का इशू होता है। तो हम इसको खोल के चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज की है, जो टच पैड नहीं चल रहा है उसको कैसे रिपेयर करेंगे या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वही हम इसको खोल के दिखाएंगे। अभी ये सेटअप पे आ गया है हमारे लैपटॉप, जहाँ पे हमारी मशीनें वगैरह लगी होती हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आप देखोगे हमने अपना मदरबोर्ड खोल लिया है, अब इसी में देखते हैं केबल कौन सी होती है सर। यदि केबल की वजह से भी हो सकता है, ये टच पैड वाली केबल होती है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, तो उसी को देखते हैं कि किस प्रकार की है। केबल हटा के लगा के देखो एक बार, कभी कभी क्या होता है हमारा लूज कनेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, तो उसी को हम हटा के लगाया है केबल को। ये केबल लगा के एक बार दोबारा हम चेक कर रहे हैं कि हमारा टच पैड चलता है या नहीं चलता। ये हमने अभी लगा के इसको दोबारा हम चेक करते हैं तो आप देखोगे हमारा कर्सर मूव हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है। और कुछ कंडीशन में केबल भी खराब होती हैं और मदरबोर्ड भी खराब हो जाते हैं। यदि आपके लैपटॉप में इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की, आपकी टच पैड की हो, कीपैड की हो, स्क्रीन की हो, हिंच की हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स दिल्ली NCR में सर्विस देते हैं, द्वारका, गुड़गांव, नेहरू प्लेस में ऑफिस है हमारे, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।